वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग पे मेरा पांचवा लेक्चर है एंड वी विल डिस्कस प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड एंड द मेथड इज बेस स्टॉक मेथड। वी वर डिस्कसिंग प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड की जो मटेरियल जो है स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू होता है उसकी हम प्राइसिंग कैसे कैसे करते हैं, हाउ टू प्राइस द मटेरियल दैट इज बीइंग इशूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम द बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक, अब उसमें हमने जो एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल कॉस्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट मेथड में हमने चार मेथड डिस्कस किए, मतलब चार मेथड डिस्कस हैं करना है हमें। पहला था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, दूसरा था लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तीसरा था हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड फोर्थ है आपका बेस स्टॉक मेथड। अब फीफो हम डिस्कस कर चुके हैं, लीफो हम डिस्कस कर चुके हैं, हीफो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस बेस स्टॉक मेथड इन दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस बेस स्टॉक मेथड की व्हाट इज बेस स्टॉक मेथड एंड हाउ वी हैव टू प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर बेस स्टॉक मेथड, कि बेस स्टॉक मेथड होता क्या है और बेस स्टॉक मेथड के अंडर में हम कैसे स्टोर लेजर अकाउंट अपना प्रिपेयर करेंगे और हाउ वी विल गोइंग टू इशू द मटेरियल, कि कैसे कैसे हमें मटेरियल इशू करना है, कैसे उसका स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करोगे और किस मेथड को अडॉप्ट करोगे हम उसकी जो मटेरियल इशू कर रहे हो उसकी प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब समझो कि बेस स्टॉक मेथड होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो बेस स्टॉक मेथड, देखिए सी, बेस स्टॉक मेथड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप फीफो से भी सॉल्व कर सकते हो, लीफो से भी सॉल्व कर सकते हो और हीफो से भी सॉल्व कर सकते हो। बेस स्टॉक मेथड कोई प्राइस कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो। बेस स्टॉक मेथड क्या कहता है, अंडर बेस स्टॉक मेथड वी एज्यूम दैट ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ईच एंड एवरी बिजनेस कंसर्न हैज़ टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी इन देयर स्टॉक, कि सभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या कोई बिजनेस कंसर्न हो या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको अपने स्टॉक में एक मिनिमम क्वांटिटी मेंटेन करनी ही होती है। उस क्वांटिटी, उस मिनिमम, दैट इज कॉल्ड बेस स्टॉक, द मिनिमम क्वांटिटी दैट हैज टू बी मेंटेन बाय ईच बिजनेस कंसर्न दैट इज कॉल्ड बेस स्टॉक। बेस स्टॉक क्या है, बेस स्टॉक वो मिनिमम क्वांटिटी है मटेरियल की जिसको आपको मेंटेन करना ही होता है। ठीक, और उस बेस स्टॉक को आप इशू नहीं करते हो। द इशू ऑफ मटेरियल इज नॉट मेड आउट ऑफ दैट बेस स्टॉक, उस बेस स्टॉक में से हम इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई भी मटेरियल इशू नहीं करते हैं। बेस स्टॉक तभी यूज़ किया जाता है जब बहुत अर्जेंसी हो, ठीक है। इन एमरजेंसी circumstances the base stock will be used, otherwise base stock will not be used for the purpose of issue of raw material, कि raw material को issue करने के लिए हम base stock को use नहीं करते हैं। base stock को आप तभी use करोगे जब कोई ना कोई emergency है। ठीक, अब base stock कैसे maintain करते हैं, हम ये assume करते हैं कि जो first lot में हमने माल खरीदा है, कि जो फर्स्ट लॉट में आपने रिसीव किया है या परचेज किया है रॉ मटेरियल, उसमें से एक सर्टेन क्वांटिटी आप बेस स्टॉक मेंटेन कर देते हो और जो जो बचता है उसको हम बैलेंस में नोट करते हैं, दैट इज़ बैलेंस। और जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है मटेरियल का, उस रिमेनिंग पार्ट में से आप इशू कर सकते हो, लेकिन जो बेस स्टॉक आपने मेंटेन कर दिया है उस बेस स्टॉक में से आप कुछ भी इशू नहीं करते हो। क्लियर, तो अब इसकी हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। और ये और है कि जब हम बेस स्टॉक के मेथड को, बेस स्टॉक की प्रॉब्लम अगर है तो बेस स्टॉक की प्रॉब्लम को आप फीफो, लीफो या हीफो में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जो भी इलस्ट्रेशन में स्पेसिफाई है उसी से करते हैं। अगर नहीं कुछ दिया है तो हम उसको लीफो से सॉल्व करते हैं। हम मान के चलते हैं कि बेस स्टॉक की अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ऑफ बेस स्टॉक शुड बी सॉल्व बाय यूजिंग लीफो मेथड, दैट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड की प्रॉब्लम को हम लीफो
से करते हैं अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। ठीक, अब इसके एक इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल अबाउट द स्टॉक रिसीव्ड एंड इशू ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग जनवरी 2009 की कुछ डिटेल दी हुई हैं रिसीप्ट की, क्या क्या माल रिसीव किया और क्या क्या इशू किया। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, परचेज़ का अलग दिया हुआ है और इशू का अलग दिया है। परचेज़ दिया है 1 जनवरी 150 यूनिट्स एट द रेट ₹3 पर यूनिट। दूसरा दिया है 5 जनवरी 300 यूनिट्स एट द रेट ₹4 पर यूनिट। उसके बाद 15 जनवरी को 500 यूनिट्स एट द रेट ₹4 पर यूनिट। और 22 जनवरी 300 यूनिट्स एट द रेट ₹5 पर यूनिट। ये 3.5 है, ₹3.5 पर यूनिट। ठीक है, अब इशू क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ मैं इशू लिख देता हूँ। इशू की डिटेल दी हुई है, कब हमने इशू किया है, तो इशू आपने किया है 8 जनवरी को, कितना 400 यूनिट्स। ठीक, उसके बाद 20 जनवरी को आपने इशू किया है, कितना फिर से 400 यूनिट्स। और फिर 31 जनवरी को इशू किया है आपने, कितना 300 यूनिट्स, ये दिया हुआ है, ये परचेज़ किया है और ये आपने इशू किया है। ठीक, आगे कह रहे हैं द मटेरियल इज इशूड ऑन लीफो मेथड, After assuming a base stock, अब इसको ध्यान देना, after assuming a base stock, मैंने underline कर दी, base stock of 50 units, ठीक। आगे वही, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 जनवरी। ठीक है, तो अब देखिए, 1 जनवरी को 150 यूनिट परचेज की ₹3 के रेट से,
फिर 5 जनवरी को 300 यूनिट परचेज़ किए 4 रुपये के रेट से, और फिर 22 जनवरी को 300 यूनिट परचेज़ किए, सॉरी 15 जनवरी को हमने यूनिट 500 यूनिट परचेज़ किए 3.5 रुपये के रेट से, और 22 जनवरी को 300 यूनिट परचेज़ किए 5 रुपये के रेट से। इशू हमने किया 8 जनवरी को 400 यूनिट इशू किए हैं, 20 जनवरी को 400 यूनिट इशू किए हैं, और 31 जनवरी को 300 यूनिट इशू किए हैं। मटेरियल इज इशूड ऑन लिफो बेसिस, हमें ये लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे सॉल्व करना है। आफ्टर एज्यूमिंग अ बेस स्टॉक ऑफ 50 यूनिट्स, कब? पहले हम जो है 50 यूनिट का बेस स्टॉक मेंटेन कर देंगे, उसके बाद आप इशू करोगे लिफो बेसिस पे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं सब साफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो अब सबसे पहले आप लिखो स्टोर लेजर अकाउंट बेस स्टॉक मेथड, ठीक। सबसे पहला कॉलम डेट का, उसके बाद 3 सेमी कॉलम, सबसे पहले रिसीप्ट या परचेज, फिर इशू या सेल, और उसके बाद बैलेंस, ठीक। फिर इसके 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, यही 3 कॉलम इसमें भी चलेंगे। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ठीक। तो अब चलते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ईयर लिख दो 2009। डेट क्या है, 1 जनवरी। 1 जनवरी क्या हुआ है, परचेज़ किया है 150 यूनिट्स, किस रेट से, ₹3 पर यूनिट के रेट से। तो ये कितना हो गया अमाउंट, 450। 150 यूनिट परचेज़ किए 3 रुपये पर यूनिट के रेट से, तो 450 हो गया। इस डेट में आपने इशू तो कुछ भी नहीं किया, तो इशू वाले को ब्लैंक छोड़ दो। अब आ जाइए बैलेंस में, बैलेंस कितना बचेगा। अब बैलेंस यहाँ 150 यूनिट नहीं आएगा, जो क्यों, बैलेंस 150 यूनिट इसलिए नहीं आएगा, मैंने क्या बताया था, आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, आप मेथड अडॉप्ट कर रहे हो बेस स्टॉक। तो बेस स्टॉक में बताया था कि जो पहला लॉट होता है, द फर्स्ट लॉट दैट यू परचेज, जो फर्स्ट लॉट को आप परचेज करते हो, उसी फर्स्ट लॉट में से आप एक बेस स्टॉक मेंटेन करते हो। तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या कह रहा है, द मटेरियल इज इशूड ऑन लिफो आफ्टर एज्यूमिंग अ बेस स्टॉक ऑफ 50 यूनिट्स, कि आपको लिफो मेथड से इसे सॉल्व करना है, यानी कि जो स्टोर लेजर अकाउंट बनेगा वो लिफो बेसिस पे बनेगा, लेकिन पहले 50 यूनिट का बेस स्टॉक आपको मेंटेन करना होगा। तो इस 150 यूनिट में से पहले 50 यूनिट यहाँ पे आप मेंटेन कर दो बेस स्टॉक, तो वो 50 यूनिट्स आप हटा दो, कितना 50 यूनिट्स 3 रुपये पर यूनिट के रेट से, तो ये हो गया 150। अब ये आपका हो गया बेस स्टॉक, ठीक। अब इस 150 यूनिट्स में से 50 यूनिट तो आपने बेस स्टॉक मेंटेन कर दिया, तो अब बचा कितना, 100 यूनिट।
यही बैलेंस है, इसमें से कभी इशू नहीं होगा, इसी में से इशू होगा। ठीक, अब नेक्स्ट डेट क्या है, 5 जनवरी। और एक चीज़, बेस स्टॉक केवल एक ही बार मेंटेन होगा। आपने 150 यूनिट परचेज किए थे पहली बार में से, उसमें से 50 यूनिट का बेस स्टॉक मेंटेन कर दिया। अब आगे जो भी परचेज होगी उसमें से बेस स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो 5 जनवरी को फिर से आपने 300 यूनिट परचेज किए 4 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से, तो ये हो गए 1200। इशू हमने इस डेट में कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दिया। अब बैलेंस कितना बचा, 100 का तो पहले से ही है, ये 300 का बैलेंस और आ गया। 2 बैलेंस आपके पास हो गए ये। ठीक, अब 5 जनवरी के बाद क्या है, इशू हो रहा है 8 जनवरी को। 5 जनवरी के बाद डेट क्या है, 8th जनवरी। 8 जनवरी को कह रहे हैं 400 यूनिट इशू करने हैं, यानी 8 जनवरी को हमने परचेज तो कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दिया। अब 8 जनवरी को इशू कर रहे हैं 400 यूनिट्स। हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 300 पहले इशू करोगे क्योंकि इनको आपने लास्ट में परचेज किया, तो पहले हम इशू करेंगे क्योंकि लीफो मेथड से कर रहे हैं। तो ये 300 यूनिट पहले इशू करो, किस रेट से, 4 रुपये के रेट से। और टोटल कितने इशू कर रहे हैं, 400, तो 300 ये भी इशू हो जाएंगे और 100 ये भी इशू हो जाएंगे। अब बैलेंस कितना बचा, बेस स्टॉक को बार बार नहीं लिखना है, बेस स्टॉक को बार बार कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बेस स्टॉक तो वहाँ ऊपर लिखा है वहीं लिखा रहेगा। तो बैलेंस तो कुछ नहीं बचा, ये 300 पूरे इशू हो गए, ये 100 भी पूरे इशू हो गए, तो बैलेंस तो हो गया आपका नील। अब नेक्स्ट डेट आ जाओ 8 जनवरी के बाद, 15 जनवरी। 15 जनवरी को आप परचेज कर रहे हो 500 यूनिट्स, किस रेट से, ये आप परचेज कर रहे हो 3.5 के रेट से, पर यूनिट के रेट से। तो ये कितना हो जाएगा, 1750। इशू हमने कुछ नहीं किया, अब बैलेंस में आ जाओ, बैलेंस कितना बचेगा, जो परचेज किया वही बैलेंस होगा, तो बैलेंस में 500 यूनिट्स आ जाएंगे 3.5 पर यूनिट के रेट से, 1750। उसके बाद 15 जनवरी के बाद डेट क्या है, 20 जनवरी। 20 जनवरी को कह रहे हैं इशू 400 यूनिट्स, यानी 20 जनवरी को हमने परचेज कुछ नहीं किया तो परचेज वाले कॉलम को हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब हमें कितना इशू करना है, 400 यूनिट्स। तो अभी हमारे पास एक ही लॉट है 500 की, तो 500 में से 400 यूनिट आप इशू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ठीक बचा कितना, 100 यूनिट 3.5 के रेट से, ये बैलेंस बचा 100 यूनिट का। 500 यूनिट थे, 500 यूनिट में से 400 यूनिट इशू कर दिए, कितने बचे, 100 यूनिट्स। अब 20 जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट है 22 जनवरी। 22 जनवरी को क्या कह रहे हैं, 22 जनवरी को कह रहे हैं परचेज 300 यूनिट्स, किस रेट से, ₹5 पर यूनिट के रेट से। तो कितना हो जाएगा, 1500। इशू कुछ नहीं किया तो खाली छोड़ दीजिए। अब बैलेंस कितना बचा, 100 यूनिट पहले से है, 300 यूनिट ये हो गया, तो ये हो गया 300 यूनिट और लिख दीजिए 5 रुपये के रेट से। अब आपके पास 2 बैलेंस हैं, एक 100 यूनिट का, एक 300 यूनिट का, एक 3.5 रुपये वाला, एक 5 रुपये वाला। ठीक, अब आते हैं 31 जनवरी। 31 जनवरी को कह रहे हैं इशू 300 यूनिट्स, इशू 300 यूनिट्स। अब हमारे पास 2 बैलेंस हैं, एक 100 रुपये, एक 100 यूनिट का, एक 300 यूनिट का। लेकिन इस 100 और 300 में हमने लास्ट में बाद में किसे परचेज किया है, 300 वाला, तो हम 300 वाला इशू करेंगे क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 300 यूनिट्स ये इशू हो जाएंगे 5 रुपये के रेट वाला, कितना, 1500। ठीक, अब बैलेंस कितना बचा, ये 100 बचा, तो ये तो आपका बन गया स्टोर लेजर अकाउंट। हम क्लोजिंग स्टॉक और निकाल, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन और करेंगे अभी। अब देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक,
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? एक तो ये 100 यूनिट बचे, दिस वन 3.5 रुपये के रेट वाला 350 का, और दूसरा ये बेस स्टॉक, ये भी तो बचा। ऐसे हमने कहाँ यूज़ किया? 31 जनवरी तक हमने ऐसे तो यूज़ ही नहीं किया। तो 31 जनवरी को अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे तो ये 100 यूनिट्स और ये 50 यूनिट्स, ये दोनों हमारे क्लोजिंग स्टॉक है। तो 50 यूनिट्स ब्रैकेट में लिख सकते हो बेस स्टॉक वाले, किस रेट का? एट द रेट ₹3 पर यूनिट। और ये 100 यूनिट्स, ये भी 3 रुपये, ये 3.5 रुपये वाला है, यानी कि ये 150 रुपये का और ये 350 का, तो ₹500 की वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा। ये आपका बन गया स्टोर लेजर अकाउंट अंडर बेस स्टॉक मेथड। ये आपका जो है स्टोर लेजर अकाउंट बन गया है अंडर बेस स्टॉक मेथड, ठीक है। तो इस तरह से प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड के जो एक्चुअल कॉस्ट मेथड के चार मेथड थे वो चारों कंप्लीट हो गए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट एंड बेस स्टॉक मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर से वी विल डिस्कस एवरेज कॉस्ट मेथड, और एवरेज कॉस्ट मेथड में भी दो मेथड हैं, एक सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फर्स्ट सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड एंड सेकंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, वी विल डिस्कस बोथ मेथड्स इन द सक्सेसिव लेक्चर्स। इसे देखना, इसको गो थ्रू करना और मैं असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना, ठीक है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको आप देखना, दिस इज़ द मेथड हाउ वी कैन प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू अंडर बेस स्टॉक मेथड। थैंक यू वेरी मच।